हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार में शालिनी में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आएगा, यानी कि लगभग हर एक क्लास में आपको मिल ही जाएगा। और हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश, और इंग्लिश में चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करिए, बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में इसको आप जितना बताएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोनाउन तो एक इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक है, सभी लोग एक ही बात को बताएंगे, लेकिन बात के बताने का तरीका अलग अलग होगा, और वो तरीका आपको नंबर दिलवाएगा कि आप किस तरीके से वहां पे अपने चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप अच्छे टीचर हैं, कैसे आप अपने डेमो को अच्छे तरीके से दे रहे हैं, कैसे आप सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से निकलवा रहे हैं। नंबर आपके उस पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि चीजें तो वही सब लोग बताएंगे, एलसीएम एसटीएफ आप ही बताएंगे और भी लोग बताएंगे, प्रोनाउन नाउन आप भी बताएंगे और लोग भी बताएंगे, लेकिन बताने का तरीका नंबर दिलवाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रोनाउन चैप्टर का डेमो कैसे वहां पर देंगे एकदम इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए हम लोग डेमो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड? आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? एक्साइटेड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग एक साथ बताइए कि व्हाट इज द डेट टुडे? आज डेट क्या है? आज डेट है 23 सितंबर 2023, और हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ओके, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR, ओके, MMAR। यहाँ पे ER कोई नहीं करेगा क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं, बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वो स्टोरी सबको पता है ना? जैसे कि आप सभी लोग अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ बना देती हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग इसके बारे में कुछ भी मुझे बता सकते हैं। जो जो आप बताएंगे वही सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ओके। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बना दे एक, क्या बना दे? एक गर्ल बना देते, एकदम प्यारी सी, है ना, गर्ल, एकदम प्यारी सी ब्यूटीफुल सी गर्ल बना देते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि ये गर्ल कैसी है, है ना, इसके सारे कैरेक्टर्स आप लोग बताएंगे और मैं यहाँ पे लिख दूंगी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक गर्ल, और आप लोग इसके सारे कैरेक्टर्स मुझको बताएंगे और मैं सब कुछ यहाँ पे लिख दूंगी। जैसा जैसा आप लोग बताएंगे वैसा वैसा मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ओके। तो ये क्या है, ये बन गई एक गर्ल, है ना, ये गर्ल बन गई है। अब ये गर्ल जब बन गई तो आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, लेकिन किसी के बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका नेम पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम रख देते हैं सोना, है ना। चल, इसका नाम हो गया सोना, है ना, कितना प्यारा सा नेम है, सोना सा नेम है। अब इन सोना के बारे में आप लोग बताइए, आप लोग बताइए तो सोना क्या है? सोना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, सोना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये हो गया, ठीक है, सोना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर क्या है? सोना गोज टू स्कूल डेली, है ना, सोना गोज टू स्कूल डेली। अब कोई और बात बताइए आप लोग बारे में, सोना के बारे में। तो सोना क्या है? सोना यूज टू प्ले इन द गार्डन, है ना, सोना प्लेज इन द गार्डन, सोना प्लेज इन द गार्डन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बार बार सोना सोना सोना। अगर हम लोग को किसी को बुलाना है तो हम लोग बार बार, अगर हम लोग एक ही नाम को बार बार रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, बार बार सोना सोना बुला रहे। अरे भाई ठीक है, सोना प्यारा सा नहीं है, तो थोड़ी कि बार बार सोना सोना ही बुलाएंगे। तो हम लोग उसके नाम की जगह कुछ और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी, है ना, अगर लड़का रहता तो ही, ढेर सारे लोग रहते तो दे। तो ये सारी चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? प्रोनाउन, है ना, क्या बोल देते हैं? प्रोनाउन। तो आज हम लोग की यही टॉपिक रहेगी प्रोनाउन, क्योंकि इसके पहले तो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्या, अपना नाउन चैप्टर पढ़ चुके हैं। और नाउन क्या था? नाउन तो नेमिंग वर्ड था, है ना, नाउन क्या था? नेमिंग वर्ड। यानी यहाँ पे नाउन कौन है? सोना सोना सोना, ये तो नाउन हो गया, है ना। लेकिन जब भी हम लोग कोई भी, है ना, द वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसा वर्ड जो कि नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है उसको बोल देते हैं प्रोनाउन, है ना। तो यहाँ पे बार बार हम लोग सोना सोना कर रहे, तो एक बार सोना को रहने देते हैं और यहाँ पे सोना को हटा के लिख देंगे शी, है ना, यहाँ पे भी सोना को हटा के लिख देंगे क्या? शी। तो ये जो शी हम लोग वर्ड यूज किए हैं, दिस इज प्रोनाउन, है ना, दिस इज प्रोनाउन। तो हम लोग प्रोनाउन की डेफिनेशन भी जानते हैं,
द वर्ड विच इज यूज्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ प्रोनाउन, है ना, कि प्रोनाउन नाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे शी, है ना, ही, और क्या इट, और क्या दे, है ना, और बहुत ढेर सारी चीजें एक्सेट्रा। तो समझ गए कि ऐसा वर्ड जो कि नेमिंग वर्ड के प्लेस पे आए, है ना, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग इसके पहले सीखे थे नाउन में कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोल देते हैं, संज्ञा बोल देते हैं। लेकिन अगर उसके प्लेस पे, उस नाउन के प्लेस पे अगर हम लोग कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, देन दैट वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन। ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उन सेंटेंसेस का यूज करके आप लोग अलग अलग सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, जैसे ये शी हो गया, है ना, तो शी हम लोग यूज करेंगे फीमेल के लिए, ही हम लोग यूज करेंगे मेल के लिए, है ना, इट जनरली नॉन लिविंग के लिए, और दे जो होता है वो क्या होता है, ढेर सारे लोगों के लिए, प्लूरल्स लोगों के लिए। ओके, ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि यहाँ पे दे दूं क्या, राहुल इज अ गुड बॉय, है ना राहुल इज अ गुड बॉय। अब राहुल के बारे में आप लोगों को चार पॉइंट लिखना है, लेकिन ये राहुल वहां पे यूज नहीं करना है। तो अब आप लोग बताइए, राहुल मेल है कि फीमेल है, राहुल क्या है, राहुल तो मेल है। तो आप लोग जो भी लाइन्स को लिखोगे वो कैसे स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, क्या आप लोग राहुल से स्टार्ट कर दोगे, नो, क्योंकि आप लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हो, तो आपको नाउन की प्लेस की जगह प्रोनाउन यूज करना है। और कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे आप लोग, ही, बिकॉज राहुल इज अ मेल। ओके, तो अतिथि, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप लोग ये सेंटेंस फोर नेक्स्ट सेंटेंसेस को आप लोग बना के ले आएंगे, नहीं आएगा तो फिर से हमसे पूछेंगे, हम फिर से बताएंगे। ओके, वेरी गुड, तो ये है प्रोनाउन चैप्टर। तो आप लोग इस तरीके से प्रोनाउन चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। कोई और भी स्टोरी अगर आप लोग के मन में है, कोई भी बात है जिस वजह से आप लोग ये प्रोनाउन चैप्टर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो आप उस तरीके से पढ़ाइए। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो ऑन करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डेमो की वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, आपको वो वीडियो जरूर मिलेगी। थैंक यू।